नमस्कार, मैं हूं दिव्या और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेलवे परिसर में गंदगी फैलाना लोगों को कितना भारी पड़ रहा। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को स्टेशन परिसर में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के लिए रेलवे द्वारा मुहिम चलाया गया। इस मुहिम को चलाते हुए अप्रैल महीने से नवम्बर महीने तक गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। कई बार रेलवे से यात्रा करते वक्त हम अक्सर रेलवे परिसर में ऐसा लिखा देखते हैं कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी ना फैलाएं। साथ ही साथ स्टेशन का वातावरण स्वच्छ और सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहभागी बने, अन्यथा गंदगी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ साफ अक्षरों में लिखे होने के बावजूद भी यात्री कूड़ा फैलाने और धूम्रपान करने से बाज नहीं आते। इन वजहों को देखते हुए रेलवे ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल गंदगी फैलाने वाले 6000 से भी ज़्यादा लोगों के खिलाफ रेलवे ने एक्शन लिया है और इन लोगों से 9,57,460 रुपये का जुर्माना वसूली भी किया गया है। आपको बताते चले कि पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल और कोटा के तीनों मंडलों में लगभग 1,471 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। कार्रवाई किए जाने वाले लोगों से लगभग 2,18,600 रुपयों की वसूली हुई है। इसके साथ साथ कार्रवाई किए जाने वाले लोगों से जुर्माना वसूली के अलावे उन्हें शपथ दिलाया गया और यह समझाया गया कि रेलवे परिसर में अब आगे से गंदगी ना फैलाएं। साथ ही साथ कर्मचारियों ने लोगों को गंदगी से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया और अनुरोध किया कि रेलवे परिसर को स्वच्छ रखने में अपना पूरा योगदान दें। आपको बताते चले कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर 7 दिवसीय क्लीन ट्रेन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत रेलवे अधिकारियों के द्वारा ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों के मूलभूत सुविधा का भी जायजा लिया गया और परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया। वहां के रेलवे प्रबंधक ने रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री के सुविधाओं के लिए शौचालय, कूड़ेदान और रिटायरिंग रूम में साफ सफाई और जरूरत के चीजों की गुणवत्ता में सुधार लाने की बात की है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार महत्वपूर्ण ट्रेनों में साफ सफाई और पानी आदि की गुणवत्ता जांचने के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इन अधिकारियों की तैनाती की वजह यह है कि साफ सफाई के अभियान को जोरों शोरों से चलाया जाए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इन अधिकारियों को स्वच्छता अभियान के बारे में रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी और इन सभी रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा। ऐसे में अधिकारियों द्वारा स्टेशन के रखरखाव और सफाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी जानकारी लेने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।